असलम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन आवर डार्ट प्रोग्रामिंग कोर्स ये लेक्चर नंबर फाइव है और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम अपने वेरिएबल्स को नेम्स कैसे दे सकते हैं और इनके रूल्स क्या हैं याद रखिए हमें रूल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है जिससे ये है कि अब जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट वेरिएबल्स बना कर देखे थे और उसमें हमने वैल्यूज असाइन की मैंने स्ट्रॉन्गली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लूजली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताया अगर आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखा तो लेक्चर नंबर फ़ोर जरूर ज़रूर देखिएगा अब इस लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले रूल्स बता देता हूँ फिर प्रैक्टिकली उनकी एग्जाम्पल्स भी बता दूंगा सबसे पहला रूल हमारे पास ये है कि वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसिस जो वेरिएबल नेम्स हैं उनके दरमियान स्पेसिस नहीं आ सकती इसकी जो एग्ज़ैम्पल है वो मैं बाकायदा आपको दिखाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि किस तरह से इसका रूल जो है वो फॉलो करें मतलब जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था सेकंड रूल इज़ वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर आप ऐसा वेरिएबल नहीं बना सकते जो जिसका नेम ये हो वन माय नेम टू मायने मतलब डिजिट नहीं आ सकता स्टार्ट में स्टार्ट में हमेशा लेटर आता है ए टू जी कैपिटल और स्मॉल के अंदर हो सकता है तो कभी भी नंबर पुट नहीं कर सकते एंड थर्ड रूल इज़ वेरिएबल नेम्स कैन ओनली स्टार्ट विद एनी लेटर अंडरस्कोर और ए डॉलर साइन सो अभी मैंने आपको बताया कि नंबर नहीं आ सकता लेटर्स आ सकते हैं मगर दो जो स्पेशल करेक्टर्स हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डार्ट के अंदर अंडरस्कोर भी पुट किया जा सकता है पी प्रोग्रामिंग की तरह डॉलर साइन भी पुट किया जा सकता है सो दैट्स ऑल्सो यू नो ए वैलिड वेरिएबल नेम फिर फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ जाता है रिज़र्व कीवर्ड कैन नाट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम देखें ये जो रिज़र्व की वर्ड्स हैं ना ये लॉन्ग लिस्ट है डार्ट के अंदर जिसमें क्लास फोर इफ़ एल्स ये सारे रिज़र्व कीवर्ड्स हैं और इन सभी रिज़र्व कीवर्ड्स को हम डिस्कस भी करेंगे पढ़ेंगे भी आपको प्रैक्टिकली इसके बारे में दिखाऊंगा भी कि किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है मगर इन वेरिएबल नेम्स को हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हमें आ, हमारे पास एरर आएगा तो so चलिए स्टार्ट करते हैं मैं पहली एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट नेम लेट्स लेट्सपोज वेरिएबल का नेम होगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस फर्स्ट स्पे इसको फर्स्ट स्पेस नेम कर दें सो फर्स्ट स्पेस नेम करने से ये होगा कि ये यहाँ पर हमारे पास एरर देगा बिकॉज इसने रूल नंबर वन को वायलेट कर दिया और बाय द वे आप देख रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है ये ग्रे के अंदर शो हो रहा है और इसके स्टार्ट में डबल फॉरवर्ड स्लैश है इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये एक कमेंट है मतलब ये कि ये जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये जो जिस जिन लाइंस के स्टार्ट में डबल फॉरवर्ड स्लैश पुट किया गया है उनकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी या फिर वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में कंसीडर नहीं किए जाएंगे राइट सो दीज आर कॉल्ड कमेंट्स प्रोग्रामिंग करते हुए जब हम प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं तो हम डबल फॉरवर्ड स्लैश पुट करके अपना मैसेज लिख लेते हैं अगर हमने कोई कोड एक्सप्लेन करना है ज़्यादा रीडेबल बनाना है सो so खैर इसके बारे में सेपरेट लेक्चर में बात करूँगा तो ये एक इन वेलिड वेरिए वेरिएबल नेम है बिकॉज इसके दरम्यान में स्पेस है और सेकेंड नंबर पर हमारे पास वेरिएबल नेम है सो वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर सो लेट्स इफ़ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अं वेरिएबल नेम विद टू माई एज माई एज तो ये एक इन वेलिड वेरिएबल नेम है वाई बिकॉज वेरिएबल नेम्स कैन नाट स्टार्ट विद नंबर्स वेरी सिंपल सो आई कैन रिमूव दिस एंड नाव इट इज़ल वेरिएबल नेम राइट सो नाओ लेट सी एट देरिएबल ये रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री में हम ये कह रहे हैं कि हम अंडर स्कोर पुट कर सकते हैं सो मैं अगर अपना अंडर स्कोर स्कूल पुट करता हूँ तो अब आप देखें हमारे कोड को कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज अंडर स्कोर इज अलाउड अगर मैं ये करता हूँ वेरिएबल डॉलर साइन डॉलर साइन ओके नाट दिस डॉलर साइन सिटी and that is also a valid variable name. and by the way, आप लोगों ने ये confused नहीं होना कि हम क्या बाद में uh, numbers use कर सकते हैं कि नहीं बिल्कुल कर सकते हैं underscore भी कर सकते हैं और यहाँ पर मैं example भी दिखा दूँ so for example अगर मैं ये कहता हूँ डॉलर uh, uh, so, sorry, डॉलर साइन को छोड़ देते हैं Let's suppose प्रोग्रामिंग um, programming underscore link. लैंग्वेज ठीक है ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है इसमें कोई इशू नहीं है बिकॉज हमने अंडरस्कोर स्कोर दरमियान में यूज़ किया है और अग, अगर हम एंड पे वन टू थ्री पुट करें फिर भी ये वैलिड रहेगा अगर इसके बीच में भी वन टू थ्री पुट कर देंगे फिर भी ये वैलिड रहेगा ये यानी जो वेरिएबल के नेम्स हैं इनके दरमियान में हम नंबर यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट में नंबर कर, यूज़ करना अलाउड नहीं है सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट्स वाई आई क्विकली वॉन्टिड टू शेयर विद यू इन दिस लेक्चर लेक्चर नंबर फाइव आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही ही होंगी प्लीज़ 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 वीडियोस को लाइक like ज़रूर कर दिया करें और नीचे कमेंट्स में बता दिया करें अगर आप मुझे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं बिकॉज़ सिर्फ और सिर्फ ये आपके कमेंट्स और जो आपके लाइक्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि कोई इन वीडियोज़ में इंटरेस्ट ले भी रहा है या नहीं थैंक यू सो मच फॉर watching एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ़ द Dart प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स टेक केयर बाय